तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में देंगे, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार 2023 के बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव कितने दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव कितने दिए जाएंगे, यानी कि जो है सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने दिए जाएंगे और कितना का जवाब देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने दिए जाएंगे और कितने का जवाब देना है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र कितना दिए जाएंगे और कितने का जवाब देना है। फाइनली जैसे मैं आप सभी को पता है 2022 के बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, जिसमें से 50 का ही सही जवाब जो है वो एमआर शीट में भरना था। तो फाइनली 2023 के बोर्ड परीक्षा में जो है कुछ बदलाव किया गया है, जो बदलाव आप सभी को परीक्षा पैटर्न मॉडल पेपर के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड द्वारा इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं का इंतजार था कि आखिरकार इंटर मैट्रिक का मॉडल पेपर 2023 का कब जारी किए जाएंगे। तो फाइनली अभी बिहार बोर्ड द्वारा जो है आज जो है 13/12/2022 के डेट में जो है अभी जारी कर दिया गया है। आप आसानी से, आप आर्ट से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो या मैट्रिक में भी आप लोग हो, आप जो है इंटर मैट्रिक दोनों का सभी संकाय का आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है जारी कर दिया गया है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सभी को कहां से और किस प्रकार से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से पैटर्न रखा गया है आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन होगा, आपको सरकारी सेंटर आएगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको क्या करना है ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में आ जाना है। एजुकेशन कैटेगरी में भी ऐड कर दिया गया है, आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म में आइएगा, हो सकता है नेक्स्ट पोस्ट आएगा, तो ये जो है BSEB 10th 12th मॉडल पेपर डाउनलोड 2023 लिखा गया है। हो सकता है ये लिंक जो है यहाँ पर 2, 4, 5, 6 नंबर पर आ जाए, हो सकता है आप ये वीडियो लेट को देख रहे, तो हो सकता है नेक्स्ट पोस्ट नेक्स्ट अपडेट आने के बाद ये लिंक नीचे चल जाएगा, तो आपको खोज कर जो है इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो यहाँ पर जो है मॉडल पेपर का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो अभी जो जारी किया गया है, तो फाइनली जो है आप सभी को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आप सभी को इंटर मैट्रिक को डाउनलोड किस प्रकार से करना है। अगर आप लोग जो है कल या परसों देखेंगे तो ये आपको जो है सारा का सारा लिंक जो है इसी वेबसाइट पर जो एक्टिव हो जाएगा। आपको अभी फिलहाल में जो अभी जारी हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप लोग तुरंत जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंटर मैट्रिक मॉडल पेपर डाउनलोड 2023, आपको क्या करना है क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। आप लोग इसी लिंक से इंटर एवं मैट्रिक दोनों का डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, यहाँ पर एक वेबसाइट जो है इतना धीमी गति से वर्क कर रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ देर क्लिक करने के बाद कुछ देर जो है आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते 13/12/2022 के डेट में जो यानी कि अभी जो यहाँ पर ये जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल इंटर मॉडल सेट 2023 फिलोसफी का है, कोड नंबर 320 है। आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाएंगे, सेट कोड जो यहाँ पर 321 है, और नीचे फिजिक्स का देखने को मिल जाएंगे, नीचे पॉलिटिकल साइंस का, नीचे केमिस्ट्री का, नीचे जो है आप सभी को ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का। आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल सा जो है आपको क्या करना है, इस पर जो आप सभी को सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे जो है ये डाउनलोड होकर आपका फ़ोन में जो है ये ओपन हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी जो ये जारी हुआ है तो इतना बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो साइट है biharboardonline.bihar.gov.in ये इतना ये स्लो काम कर रहा है कि यहाँ पर जो है आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी का डाउनलोड पर क्लिक किया हूँ तो ये बायोलॉजी का डाउनलोड हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल जो यहाँ पर जो है 70 मार्क्स का जो है, अब इसमें देख सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है और कितना का जवाब देना है, ये सारा का सारा जो ये पेज में जो है लिखा गया है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके और अपना जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे इसमें जिसमें पैरेटिकल है उसमें कितना दिया गया है, इसे आप अनुभव लगा सकते हैं। अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर जो है अब आपका सेम पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 70 है, अब 70 दिया गया है ऑब्जेक्टिव। आपको जो है जिस प्रकार से 2022 में पैटर्न था उसी प्रकार से
23 में पैटर्न है, 17 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें जो है आप सभी को क्या करना है, 35 का जवाब सही सही वो एमआर शीट में फिलअप करना है आपको। यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर प्लस में दिया गया है, 35 ऑब्जेक्टिव का जो है आप सभी को जवाब देना ही है। अब मैट्रिक का कैसे डाउनलोड करना है, तो मैट्रिक का डाउनलोड करने के लिए फिर से बैक आना है और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक दिख रहा है, तो आपको दो पर क्लिक करना है, तीन पर क्लिक करना है, चार पर क्लिक करना है, 2, 3, 4 पर क्लिक करके आपको खोज कर इसी प्रकार से यहाँ पर इंटर लिखा गया है, यहाँ पर आप सभी को मैट्रिक देखने को मिलेगा। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पर डाउनलोड होकर आपका फ़ोन में ओपन हो जाएगा, आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। इस प्रकार से आप सभी को इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है और अपना पैटर्न देखना है। पैटर्न में जो है सेम है जिस प्रकार से 2022 में दिया गया, उसी प्रकार से सेम 2023 में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अब क्लिक किया हूँ तो अभी 10-12 सेकंड के बाद जो है ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो गया साइकोलॉजी का 2023। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर फुल मार्क्स जो है 70 है। ये मैं जो भी डाउनलोड कर रहा हूँ ये सिर्फ जो है इसमें जो है पेरेडिकल है, पेरेडिकल वाला जो है डाउनलोड पर क्लिक हो गया। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है।